गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रत्येक समाज के सुचारू रूप से चलने की प्रणाली है। जिस वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के हम यहाँ विचार कर रहे हैं उसमें चार चार बातें हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो हो गए वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी ये हो गए आश्रम। और ये जो व्यवस्था है वो केवल वर्ण व्यवस्था नहीं है और केवल आश्रम व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था। और जब इस वर्णाश्रम व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में तो उसके द्वारा हमारा तो भला होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे समाज को हम ठीक से चला सकते हैं। किसी भी समाज को ठीक चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यदि किसी बात की होगी तो जो घटक उस समाज को इकट्ठा होकर के बना रहे हैं उनमें एक दूसरों के प्रति भाईचारा होना आवश्यक है, एक दूसरों के प्रति द्वेष का अभाव होना आवश्यक है, एक दूसरों को समझ ले, किसी के प्रति ऐसी घृणा की या ईर्ष्या की भावना ना हो। और ये तब हो सकता है कि जब हमको भगवान ने जहां रखा है उसी में हमको अपना उद्धार करना है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करनी। ये बताते बताते उन्होंने सन्यासी के धर्म के बारे में बताया। अब आगे बताते हैं, दुखो दर्केशु कामेशु जातु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासित मद्धर्मो गुरु मुनि उपाव्रजेत तावत् परिचरेत भक्तः श्रद्धावान अनसूयकः यावत् ब्रह्म विजानीयात् मामेव गुरुमादृतः। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। देखो, दो प्रकार के लोग हमको जगत में मिलते हैं जो परिव्राजक भ्रमण करते हैं। एक तो वो है कि जो सन्यासी ज्ञान प्रधान है, और दूसरे वो है जो वैराग्य प्रधान है। और इस ज्ञान प्रधानता को लेकर के जीवन चलते चलते उसमें जो वैराग्य का निर्माण उदय होता है वह वैराग्य टिकता है, और जिस ज्ञान के अभाव में यदि वैराग्य का प्राधान्य हो हमारे जीवन में तो वैराग्य का जीवन जीते जीते हम ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की बातें अभी तक नहीं समझ रहा है तो वह जितेंद्रिय है, और उसके मन में ये निश्चय हो चुका है कि ये जगत के भोग जितने भी है दुख जो न यहाँ एवते वे केवल दुख की ही खान है, और इसीलिए उसका मन विरक्त हो गया है। तो वह व्यक्ति अब जानता तो कुछ है नहीं तो क्या करे, तो कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु की शरण में चला जावे। वैराग्य का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अपने से जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। जिस अंतकरण में शरणागति समर्पण का अभाव होता है वह अंतकरण वैराग्य में, उसमें वैराग्य है ही नहीं। जिसमें वैराग्य आ गया है उसको समर्पण करने में कोई कठिनाई नहीं। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में चला जावे और गुरु की भक्ति करे, उनमें दोष कभी ना निकाले, और जब तक के ब्रह्म का ज्ञान ना हो तब तक के अपने गुरु की सेवा करे और उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चले। और जिन्होंने ना तो अपने इंद्रियों को वश में रखा है और ना तो जिनके अंतकरण में वैराग्य है, ना तो ज्ञान की कहीं थोड़ी भी मात्रा उनमें उपलब्ध है,
ना तो उनके हृदय में सबके प्रति प्रेम है। लेकिन ऐसा व्यक्ति केवल कपड़े पहन करके हाथ में दंडा लेकर के कोई सन्यासी बने तो उसके द्वारा वो अपना ही सत्यानाश कर रहा है। ध्यान से सुनना भैया, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा धोखा यदि किसी को देता है तो अपने आप को, दूसरे को हम नहीं धोखा दे सकते। ऐसे समझो हमने बाबा जी का वेश धारण किया और लोगों को धोखा देने के लिए कुछ जो कुछ कर रहे हैं, उसके द्वारा लोगों का भला होगा क्योंकि उन्होंने तो हमको सत्य के रूप में स्वीकार किया है, तो उनका तो उनके श्रद्धा के कारण भला हो जाएगा। क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, ये झूठ झूठ है, तो हम जो अपने को धोखा दे रहे हैं इससे अपना ही सत्यानाश होता है। इसलिए ऐसे वेश मात्र से सन्यासी की ना तो अंतकरण शुद्ध होता है, इस लोक परलोक दोनों से वो हाथ खो बैठता है। इसलिए भिक्षो हो धर्म क्षमा अहिंसा तप ईक्षा वनौकसहा गृहिणो भूत रक्षेज्ञा द्विजस्य आचार्य सेवनम्। ये जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इनके क्या धर्म है? देखो ये अभी तक जितना बताया है ना उसका सब अब उपसंहार कर रहे हैं। सन्यासी का मुख्य धर्म क्या है? दो बातें हैं, शांति और अहिंसा, और इन दोनों में सब कुछ आ गया है। देखो काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं और द्वेष के अभाव को शांति कहते हैं। तो शांति ये ऐसा सद्गुण है कि जो सबके अभाव में होते हुए भी स्वयं अभावात्मक नहीं है। जैसे परछाई ले लो आप या अंधेरा ले लो, परछाई और अंधेरा यह अभावात्मक है, प्रकाश के अभाव को अंधेरा कहते हैं। और ये अंधेरा नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं, ये केवल अभाव मात्र है। इसी प्रकार से भी हम ये समझेंगे कि यह जो शांति है, यह काम का अभाव, क्रोध का अभाव, लोभ का अभाव, मोह का अभाव, तो क्या ये शांति भी अभावात्मक है? बोले नहीं महाराज, यह जो शांति है यह भावात्मक सत्य है। देखो इसीलिए सन्यासी का एक जो मूल धर्म है वो है शांति और दूसरा है अहिंसा। अहिंसा हमको तीन लेवल पर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तीन प्रकार से हम हिंसा करते हैं, एक तो शरीर से, दूसरी वाणी से और तीसरी मन से। शरीर से हिंसा तो सभी को समझ में आ जाती है, वाणी से हिंसा हम तब करते हैं कि जब हमारे वाणी का प्रयोग किसी का मन दुखाने के लिए, दिल दुखाने के लिए, किसी को जली कटी सुनाने के लिए किया जाता है तो वह वाणी के द्वारा की गई हिंसा है। देखो अपनी ये जो वाणी है ना, 2 इंच की लंबी भूमि, इसके द्वारा चाहे तो हम पूरे जगत को जीत सकते हैं और इसी का यदि दुरुपयोग करें तो इसी के द्वारा पूरे जगत में हम अपने दुश्मन निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए वाणी की अहिंसा का तात्पर्य है सन्यासी के मुख से ऐसा एक भी शब्द मजाक में भी ना निकले कि जिसके द्वारा किसी के अस्मिता पर, किसी के अस्तित्व पर, किसी के सम्मान पर चोट पहुंचे। दूसरी महत्व की बात वाणी की अहिंसा की, हमारी वाणी ऐसी हो कि जिसको सुनकर के सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास जागृत हो जाए, तब तो हमारी वाणी में अहिंसा आ गई है। ये तो पहले ही कोई आदमी मरा आया हुआ है, स्वामी जी मुझे तो लगता है कि अब सब खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो मरने जा रहा हूं। और स्वामी जी महाराज ने कहा मरने जा रहे हो,
जल्दी मरना है कि लेट मरना है? जल्दी मरना है तो ये किसी भी रेलवे ट्रैक पर सो जाओ, तुरंत मर जाओगे, नींद में चले जाओगे। नहीं, हमारी वाणी ऐसी होवे कि किसी का यदि पूरा दिल भी टूट रहा हो तो अपने शब्दों के द्वारा उसमें एकदम जान आ जाए, तब तो हमारी वाणी में हिंसा है। और तीसरी हिंसा या अहिंसा की बात होती है हमारे मन को लेकर के। देखो, हमारे मन में किसी के भी प्रति यदि इतनी भी घृणा रही तो हम बहुत भयानक हिंसावादी है। कारण क्या है? मन के विचार जब स्थूल रूप धारण करना प्रारंभ करते हैं तब उसको वाणी कहते हैं, और यह वाणी जब और स्थूल हो जाती है तब उसको कर्म कहते हैं। जैसे आप बैठे हो और किसी को लेकर के मन में घृणा आ गई है, पता नहीं सुबह सुबह क्यों, और फिर धीरे धीरे उसका ही बोलना शुरू हो जाता है, और वो बेचारा इनोसेंट व्यक्ति, इसको क्या मालूम कि मेरे बारे में इसके मन में घृणा है, और वो आकर के आपसे बात करेगा, स्वामी जी मुझे है ना एक प्रश्न पूछना, चुप रहो, सुबह सुबह परेशान करते हो। ये जो गुस्सा आया ये कहां से आया? मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा थी, तो उसी घृणा की अभिव्यक्ति शब्द ने धारण कर लिया रूप। लेकिन उस व्यक्ति को भी मालूम ही नहीं कि स्वामी जी गुस्सा कर रहे हैं, और फिर जाकर एक लगे चढ़ा कितनी चुप बैठ जाए। देखो, एक ही विचार वाणी का रूप धर के फिर आकर जाकर के क्रिया का रूप धरता है। इसीलिए ये दो धर्म है सन्यासी के। और एक महत्व की बात बताऊं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, देखो गुस्सा आ रहा है, वो सन्यासी नहीं है, देखो ये अशांत है। एक ध्यान रखना, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है हमारी विचारधारा अपने तरफ जावे, पब्लिक के तरफ नहीं। और विशेष करके आप लोग जो गृहस्थ हो, गृहस्थ के अंतकरण में सन्यासी कैसा भी हो आदर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जिन लोगों के अंतकरण में साधु सन्यासी को लेकर के आदर नहीं होता, उससे साधु सन्यासियों का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान होता है हमारा। हमारा क्या नुकसान है? हम किसी भी व्यक्ति को आदर से नहीं देख सकते, और जब हमने किसी भी व्यक्ति को आदर से नहीं देखना यही व्रत अपने जीवन में ले लिया है, तो उसके अंतकरण में हमेशा अनादर के ही अभिव्यक्ति को संशय कहते हैं, और संशय आत्मा विनश्यति। देखो महाराज, इसीलिए ये जो बात हम सीख रहे हैं इसका गलत प्रयोग मत करना। उसके बाद वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है, कहते हैं तपस्या और भगवत भाव। स्वामी जी महाराज बताइए कि वानप्रस्थी कौन है? वीआरएस इज ए वानप्रस्थी। यहां तो जो रिटायर हो गए हैं, एक बार हम किसके यहां थे तो उनके घर में एक चीज को लेकर के मियां बीबी के हमेशा झगड़े। जिस वस्तु का उपयोग नहीं है उसको हटा डालो घर से, कोई जरूरत नहीं, क्यों कूड़ा इकट्ठा करती हो? तो पत्नी ने कहा कि उसका कुछ तो काम आता है घर गृहस्थी में। नहीं नहीं नहीं, और पिता पति महाराज जो थे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के रहने वाले थे, कॉरपोरेट में कागज पर पढ़ते हैं, दूसरों को सिखाते, जीवन में नहीं उतारते। तो उसने पढ़ा, जो वस्तु पिछले 6 महीने से काम में नहीं आई उसकी आवश्यकता नहीं, निकाल डालो घर से। तो उसने बताया, कहीं सीख का आया होगा, और बताया पत्नी को, देखो अभी अभी मैं ये कॉन्फ्रेंस से आया हूं, वहां उन्होंने बताया है जिस वस्तु को हमने पिछले 6 महीने से प्रयोग में नहीं लाया उसको हटा डालो, कोई जरूरत नहीं। पत्नी तो उससे भी तेज, फिर तो आपको आपका दिमाग ही हटाना पड़ेगा। 6 महीने की बात छोड़ो, जब से शादी की है आज तक एक बार भी प्रयोग में नहीं लाया। देखो,
वानप्रस्थी का तात्पर्य है अब हम घर गृहस्थी से उपरत हो गए उसका क्या लक्षण है। दो धर्म है उनके, एक तपस्या। तपस्या का मूल रूप है हम अपने जीवन में जितना परावलंबन है उस परावलंबन से मुक्त हो जावे। हमारा परावलंबन होता है वस्तुओं को, व्यक्तियों को, अपने जीवन प्रणाली को लेकर के, तो उससे हम अपने को मुक्त करना है ये समझ करके जब चलेंगे तब हमने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। और उसके लिए तपस्या ये है, देखो गृहस्थी वो होता है कि जिसको समाज में रह करके मैं अमुक हूं मैं तमुक हूं दिखाना पड़ता है। ध्यान से सुनना, हम लोग अपनी एक कोई एक छवि बना लेते हैं और उसी छवि की कल्पना में पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग जब जानेंगे कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं और हमारा इतना सारा बिजनेस है और हम ऐसे ऐसे गाड़ियां बदलते हैं तो इसीलिए हमारी समाज में इज्जत होगी। और प्रभु को दूसरा ही स्कीम था, और यदि वो नहीं हो पाया तो हम अपने दुखी होना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं देखो समाज में मुझे कोई कीमत नहीं, देखो समाज की कीमत पर जिंदा रहना शुरू करोगे तो जिंदगी में पागल हो जाओगे। अपने हृदय को शांत रखो। और तपस्या वही है कि अपने इस अहंकार के बलि को चढ़ाना है, तो उसमें तपस्या अपना जो मान अपमान सम्मान है सबको मिटा देना है। और ये तपस्या जब नहीं होती मालूम है तो इसका प्रभाव क्या हो जाता है, अनेक घरों में जो बड़े लोग हैं रिटायर हो गए हैं उनको ये हमेशा भाव आता है कि अब मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हर एक के घर की यही चक्कर है, क्योंकि पत्नी भी जो पहले हांजी हांजी कहते सामने आती थी अब वही कहती है आप जरा सुबह घूमने जाया करो ना, तब तक के बच्चों का नहाना धोना उनका नाश्ता सब कुछ हो जाता है बाद में घर में आना। माने नाउ यू आर एन ऑब्स्टेकल प्लीज डिसअपियर। और उस समय उस बाबा जी को लगता है देखो आई एम द मोस्ट अनवांटेड क्रिएचर इन द हाउस, और उसी के कारण आदमी को दुख होता है। ध्यान से सुनना, जिस दिन आपको ये भावना हृदय में आ गई कि आई एम मोस्ट अनवांटेड पर्सन, समझ लेना आपके अहंकार पर चोट पड़ी है। इसीलिए तपस्या यही है कि हम वानप्रस्था में प्रवेश करने के बाद किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखोगे तो दुखी नहीं होगे। जो तपस्या करता है वो दुखी नहीं होता। और दूसरी बात है उसके धर्म की भगवत भाव। जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान की उपासना में लगाया है उसके लिए समय की समस्या नहीं होती। हमारे लिए समय की समस्या इसलिए हो जाती है कि दिन भर क्या करें। इसीलिए दो तीन बातें समझ लो, पूरे साल भर के लिए कोई ना कोई अपने हाथ में आध्यात्मिक प्रोजेक्ट पकड़ लो। जैसे साल भर में हमको 12 रामचरितमानस के पारायण करने हैं तो बन गए, उसके बाद ये हमको त्योहार करने हैं घर में और रोज हमारा इतना जप होना चाहिए, रोज हम इतने समय तक के ध्यान का अभ्यास करें, रोज हमको ऐसे ऐसे साधु संतों के चरित्र पढ़ना है, रोज हमको एक मंदिर में जाना ही है। ये छोटी छोटी जो नियम अपने जीवन में लगा लो ना तो फिर देखेंगे आप, आपको अपना जो बुढ़ापे का समय है वो खाने को नहीं दौड़ेगा। और इसी को कहते हैं भगवत भाव में, तो जितना हम अपने मन को अब भगवान के चरणों में लगा दो तो हम संसार से उपरत होंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। अब तीसरा आता है गृहस्थ। गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? गृहस्थ का मुख्य धर्म है
प्राणियों की रक्षा करना है और यज्ञ याग इत्यादि करते रहना है। गृहस्थ माने जो अभी वानप्रस्थ में प्रवेश नहीं किया है, तो उसका ये धर्म बनता है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनके खाने पीने की व्यवस्था करने का काम गृहस्थों का है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि जब हम साधु संतों को या किसी को अन्नदान करते हैं तो उसको बहुत पुण्य माना है, क्योंकि प्राणियों की रक्षा अन्न से होगी और उसका दान करना ये गृहस्थियों का बहुत महत्व का धर्म है। और उसके बाद यज्ञ याग। यज्ञ याग का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के धार्मिक या हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है अपने घर में, वो करने से घर में एक वातावरण बन जाता है। जैसे देखो आप, जिनके घर में समझो नियम से ये सत्यनारायण की कथा होती है, भले वही कथा सुन रहे, वही पंडित जी आ रहे, वही प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक पूरा घर में वातावरण बन जाता है और उस वातावरण के कारण हमारा मन प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार से जो समझो लोग शिरडी बाबा के भगत है, तब वो गुरुवार के दिन कुछ विशेष करते हैं अपने घर में, या कोई शिव जी के भगत है तो प्रदोष के दिन कुछ विशेष करते हैं घर में, या कोई लोग एकादशी इत्यादि का व्रत करते हैं, तो इन सब के द्वारा अपने घर का एक बड़ा सुंदर वातावरण बन जाता है और धीरे धीरे मन प्रभु के प्रति समर्पित होने लग जाता है। और चौथा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म क्या है, तो कहते हैं आचार्य की सेवा करना। आचार्य की सेवा करने से ही ब्रह्मचारी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ध्यान से सुनना, ट्यूटर और आचार्य, इसमें बहुत फर्क है। ट्यूटर को हम खरीदते हैं, आचार्य को खरीदा नहीं जा सकता, और इसीलिए ट्यूटर हमारी सुनते हैं और आचार्य की हमको सुननी पड़ती है। देखो कितना फर्क है। नहीं तो वो लड़का कह देता है, सर ये चिट्ठी मेरी उस फ्रेंड को पहुंचा देना, और आप यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मम्मी डैडी को बोल दूंगा ये अच्छे नहीं पढ़ाते। तो उसको लगता है मुझे क्या फर्क, दू जा भाड़ भी, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसा जो खरीदा गया है वह ट्यूटर है। आचार्य वो है जो सिद्धांत को विद्यार्थी के या शिष्य के आचरण में उतरवाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करके उस विद्यार्थी का भला कराता है। देखो इसीलिए आचार्य की सेवा, यह ब्रह्मचारी का धर्म है। उसके बाद कहते कि सभी को, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, सभी को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना, यह मुख्य धर्म है और सबके लिए है। इस प्रकार से जो पुरुष अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है, समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धांत भगवत गीता के अंत में जाकर के भगवान ने बताया है। यहाँ भी भागवत में अब अंत में हम आ रहे हैं, 11वें स्कंद में यही बात बताइए, स्वकर्मणा तम परमेश्वरम अभ्यर्च। अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति का चक्कर मत रखो, अपने कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना करें। और जब हम अपने कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना करेंगे तो हमारे कर्म का बंधन शिथिल हो जाएगा और हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। तो जिसके द्वारा कर्म भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है वह साधना, और जो भक्ति कर्म कांड में फंस जाती है वह दुकानदारी, वो साधना नहीं है। इस प्रकार से हे उद्धव, मैं सभी लोगों का एकमात्र स्वामी हूँ, इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का एकमात्र परम कारण हूँ, और ऐसे मुझ में जिसके भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है वही गृहस्थ
अंतकरण को शुद्ध करे धर्म पालन के द्वारा और मेरे उस स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो करके मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उद्धव जी आपने जो मुझे पूछा था मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। इसके साथ ही 18वां अध्याय पूरा हो गया है। अब हम 19वें अध्याय में 11वें स्कंध के प्रवेश करते हैं। यहां भगवान इसी विषय को आगे चलाते हैं। श्री भगवान वाच यो विद्या श्रुत संपन्नः आत्मवान नानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत् ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गैश्च स्वर्गैश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मद्रुते प्रियः ज्ञान विज्ञान संसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम ज्ञानी प्रियतमो तो मे ज्ञाने नासो बिभर्ति माम। भगवान अब ज्ञानी भक्त की बात यहाँ कर रहे हैं। कहते हैं ज्ञानी भक्त कौन है? जिसने शास्त्रों का माने उपनिषदों का श्रवण किया है, मनन किया है और निधि ध्यासन किया है। तीन बातें ध्यान से सुनना। धर्म जो है ये बहिरंग साधन है, उसके पास जो उपासना है, भगवान के मंदिर में जाना, घंटे बजाना, एकादशी का व्रत करना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, तीर्थगमन करना, व्रत वैकल्य करना, ये भी बहिरंग ही साधना है। तो धर्म की जो साधना है वो जगत में व्यवहार को मुख्य मन में रख के कही है। उपासना जो है अपने व्यवहार में परमात्मा को बुलाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बाहर की साधना है। अब अंतरंग साधना कौन सी है? तो कहते हैं अंतरंग साधना है शास्त्रों का नियम से श्रवण करना। दूसरी बात, श्रवण करने के बाद मनन करना। और तीसरी बात, जब श्रवण मनन पक्का हो जाएगा तो हमारी जो परमात्मा के प्रति जिज्ञासा है वो अखंड रहेगी। निधि ध्यासन का तात्पर्य मेडिटेशन नहीं है। कई लोग निधि ध्यासन का अर्थ मेडिटेशन करते हैं, नहीं। कहते हैं ना, किसी को ध्यास लग गया किसी वस्तु का, जैसे जो व्यापारी होते हैं उनको निधि ध्यासन होता है पैसों का, और जो प्रेमी है उनको निधि ध्यासन होता है अपने प्रेमिका का, और जो क्रिकेट के फैन है उनको निधि ध्यासन होता है बस मैं बड़ा जाकर के सचिन बनूंगा, और दूसरी दिमाग की बात है ही नहीं। तो माने जब हमारे मन की वृत्तियां परमात्मा को लेकर के एकतान हो जाती है तब उसको कहते हैं निधि ध्यासन। तो तीन बातें इसलिए आवश्यक है कि हमको ना तो जगत के बारे में ठीक से ज्ञान है, ना तो हमको अपने बारे में ठीक से ज्ञान है, ना तो हमको ईश्वर के बारे में ठीक से ज्ञान है, ना तो इस जीव जगत ईश्वर के परे इनका आधार जो एक अखंड अद्वैत नाम रूप रहित तत्व है उसके बारे में कुछ जानकारी है। तो ये सब इकट्ठा करने के लिए हमको शास्त्रों का श्रवण करना आवश्यक है। ये बात बहुत कम बार समझ में आ जाती है कि जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि अपने जीवन में जैसे रोज नहाना आवश्यक है, रोज खाना आवश्यक है, रोज सोना आवश्यक है, रोज बाथरूम में जाना आवश्यक है, इसी प्रकार से रोज हमको अपने बुद्धि को तत्व के बारे में जानकारी पहुंचाना भी आवश्यक है, ये बात समझ में नहीं आती। देखो, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तब समझ लेना अब आप अंतर्मुखी होना शुरू हो गए। और हमारा अंतर्मुखित्व कैसा शुरू होता है? प्रश्न फायर करके, स्वामी जी भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? हो गया इनका आध्यात्म जीवन शुरू। यहां तो दूसरी बात, स्वामी जी आजकल मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, मैं अच्छी बात है मालूम है क्या हो गया? आजकल मैंने हफ्ते में मैं रोज नहीं खाता हूं मांस मच्छी, गुरुवार के दिन तो नहीं खाता हूं, कल परसों की बात है,
एक आदमी उस एरिया में जहां हम रहते हैं हाईली स्पिरिचुअल है, सुबह 6 बजे से वो शुरू हो जाता है अखंड मंडलाकार, और उस दिन बुधवार था और मैं शाम के समय अपने लेक्चर में जा रहा था, तो सुबह से वो पिया रहता है। और जब मैं 4:30-5 बजे जा रहा था प्रेमपुरी आश्रम के लिए, तो वो उतर रहा था नीचे, बिल्कुल एकदम शांभवी मुद्रा चल रहा, और मुझे कहता है, नमस्कार चमत्कार किया, स्वामी जी रोज मैं आपके दरवाजे को नमस्कार करता हूं, बहुत बढ़िया, और कल गुरुवार है ना, इसीलिए कल हम नहीं पी सकते, तो सोचा आज पी ही ले, और ही वॉज ऑलरेडी ड्रंक। तो उसकी आध्यात्मिक भूमिका क्या है, उसकी आध्यात्मिक भूमिका यह है, गुरुवार के दिन पीना नहीं चाहिए। लो इसीलिए हम असली रूप से आध्यात्मिक व्यक्तित्व तब बने जब हमारे मन में ये जिज्ञासा जागृत हो कि ये जगत क्या है, ये जीव क्या है, यह ईश्वर क्या है, पाप पुण्य का चक्कर क्या है, धर्म अधर्म किसको कहते हैं, स्वर्ग नरक किसको कहते हैं, इन सब चीजों को जब स्पष्टता से जानेंगे तब जाकर के हम अपने जीवन को ठीक से चला सकते हैं। पहली बात, अब जब हम ये सुनेंगे तो हमारे मन में अनेक संदेह आएंगे, ये कैसे संभव है, भगवान ने दुनिया को बनाया, भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया और किस लिए बनाया, उसको क्या कमी थी कि दुनिया को बनाने के लिए, जैसे एक अच्छा खासा लड़का अपनी दुनिया बनाता है, व्हाट इज ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, ये पहला संकल्प, तो भगवान का संकल्प क्या है, सो काम है, तो दोनों भी अपना संसार निर्माण कर रहे, तो भगवान को किस चीज की कमी थी कि इसने संसार बनाया। इस प्रकार से जब हमारे प्रश्न होते हैं तब हम जो सुने हैं उसको अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसीलिए श्रवण के बाद मनन की प्रक्रिया है। अब कैसी, एक उदाहरण दे दूं आपको मैं, फिर आप बाकी का करते रहना, होमवर्क किया करो महाराज, बिना होमवर्क के कुछ नहीं होता। अच्छा, हमको बताते हैं साधु संत लोग कि पिछले जन्म में हमने जो पाप पुण्य किए इसके कारण इस जन्म में हमको दुख और सुख मिल रहे, तो इसका क्या अर्थ है, अब इस पर चिंतन करो, और जितना इस पर चिंतन करोगे आप उतना देखेंगे कि आप ये द्वैत के चक्कर से हट जाओगे। कैसे चिंतन होगा, एक उदाहरण, हम पिछले जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म किए थे उसके कारण इस जन्म में आकर के हमको दुख या सुख मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस देह के निर्मिति के पूर्व भी हम थे, उसके बाद इस जन्म में रह करके हम जैसे जैसे कर्म करने वाले हैं उसके अनुसार हमारे अगले जन्म के सुख दुख का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस जन्म में हम ऐसे रहे कि पिछले जन्मों के जो संस्कार है उसको मिटा देवे और इस जन्म में और नए संस्कार निर्माण ना करे। देखो महाराज, और सबसे महत्व की बात, इसका अर्थ ये हुआ ना तो हम कभी पैदा हुए ना तो कभी हम मरने वाले हैं। तो ये एक सिद्धांत का यदि आप मनन करोगे तो आपके मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाएगा, और यही सिद्धांत जीवन में ले आओ, देखो क्या हो जाता है कि अपने जीवन की कोई भी समस्या को लेकर के हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कि उस समस्या को हम पूरे के पूरी तरह से नहीं देख सकते, दैट विच कैन बी सीन विद द नेकेड आईज, व्हेन यू सी विथ ए माइक्रोस्कोप
इट लुक्स अगली। देखो हाँ कितना सुंदर है आपका स्किन, बड़े सुंदर है आप, उसका थोड़ा एक निकाल करके माइक्रोस्कोप के अंदर में डालो, इतना भयानक लगता है, राम राम राम। इसी प्रकार से अपना जीवन भयानक लगता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दूर से देखो तो क्या है, कोई एक छोटी सी घटना होती है वो मेरी बात नहीं मानता, अपने आप को ज्यादा ही समझता है, समझ क्या रखा है मैं क्या कम हूं। एक छोटी सी बात उसको लेकर के मन में विक्षेप, दुख, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डिप्रेशन, एंगर, जेलसी, वेंजेंस, देखो कितनी इकट्ठी हो गई। उसी को ठीक से समझो तो कोई भी समस्या हमेशा नहीं रहती, इज ए क्वेश्चन ऑफ ओनली टाइम। तो करें क्या, पेशेंस रखें, और आप देखेंगे अपने पूरे जीवन के जो हजारों घंटे हम जीने वाले हैं उसमें से एक दो घंटे की कोई कीमत नहीं होती। देखो आपको एक सीक्रेट बताते हैं, आजकल रामनवमी का नवरात्र चल रहा है ना, भगवान रामचंद्र जी कितने 13-14 साल के लिए वनवास गए। वाल्मीकि रामायण बताता है कि भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में थे तो हजारों साल उन्होंने साम्राज्य किया, ऐसे नहीं कि एक टर्म, बड़े मुश्किल से हजारों साल उन्होंने साम्राज्य किया, और उस हजारों सालों में से 14 साल वनवास गए, और उन 14 सालों में से 13 साल चित्रकूट में मजे में रहे, और जो आखिरी एक साल रहा उसमें भी 6 महीने घूमते घामते रहे, और उसमें भी जो आखिरी 6 महीने रहे वहां गब्बर सिंह आ गया था, यही है ना। अब मुझे बताओ यदि पूर्ण रामायण का चित्र आप अपने सामने रखे तो भगवान के जीवन में कोई खास बात हो गई क्या? कुछ नहीं हुआ। देखो जो व्यक्ति KG-1 से लेकर के डॉक्टरेट तक पढ़ता है उसने कितनी परीक्षाएं दी है, उसमें किसी एक परीक्षा में 2-4 मार्क कम आ गए तो कौन सी आग लगने वाली है? देखो हमको याद है हम एक स्कूल के इंचार्ज थे और एक माता पिता हमको मिलने आए गुस्से गुस्से में, स्वामी जी वी वांट जस्टिस। तो मैंने बोला कि 2 मिनट बैठो, मैं ये हाथ के काम को निपटा लूं फिर आपसे बात करूंगा, और दोनों फुंस 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 चल रहे थे तो मुझे मजा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा सी दिस, क्या है बताओ, मैं देखना क्या है, बोले देखो आप देखो, मैंने बताओ तो सही क्या है, आप इसकी टोटल करो। हमने कहा आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए क्या, टोटल करो। मैं यदि टोटल कर सकता तो बाबा जी क्यों बनता, मुझे नहीं टोटल विटल आती। फिर उन्होंने बताया मेरी लड़की क्लास में 2nd आई, इसका कारण टोटल में गलती, उसको टोटल के अनुसार 9.5 मिलने चाहिए 10 में से, इस टीचर ने 9 लिखी है टोटल, और इसीलिए दूसरी जो लड़की है उसको 1st पोजीशन दी और मेरे लड़की को 2री पोजीशन दी, आई वांट जस्टिस। तो हमने कहा तुम्हारी ये लड़की 10वीं में है कि 12वीं में है? नहीं, किस में है? क्लास 2 में। तो मैंने कहा ओहो ये तो बहुत अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया, अभी मैं उस टीचर को बुलाता हूं और इसको हम सबके सामने लटकाएंगे और खूब मारेंगे, धड़ाधड़ 0.5 मार्क कम दिया, देखा नहीं इस बच्चे का पूरा जो जीवन है नष्ट हो गया तुम्हारे एक गलती के कारण। बोले स्वामी जी आप हमको हमारे साथ सरकास्टिकली बात कर रहे हैं। हमने कहा शरीफों के साथ शरीफ बातें होती है, तुम करना क्या चाहते हो? यही कहोगे ना, अपने बच्चे को सिखाओगे कि तुम्हारे स्कूल के जो टीचर है उनके प्रति आदर मत रखो, वो तुमको ठीक से पढ़ा नहीं सकते,
और यदि तुमने अपने बच्चे के मन में अपने ही स्कूल के टीचरों के प्रति आदर निकलवा दिया तो वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। उसको समझाओ, कुछ नहीं बेटा, हो जाता है। तो फिर हमने उनको पूछा, एक्सक्यूज मी, आप तो पढ़े लिखे हो ना, मुझे बताओ अम्मा, सिंसियरली बताओ, झूठ मत बोलना, जब आप क्लास 4 में थी और उस समय जब आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन में सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स मिले थे बताओ? रामा जी, आई डोंट रिमेम्बर। मालूम है क्यों नहीं? बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। सो डोंट गिव अनड्यू इंपॉर्टेंस टू रॉन्ग थिंग्स। ये है इस सिद्धांत का अर्थ। अब देखो, कितनी बार हमने कर्म का सिद्धांत पढ़ा है, हमने जो पाप किया था उसके कारण इस जन्म में तुमसे शादी करनी पड़ी, अब और पाप करेंगे तो अगले जन्म में तुमको पकड़ेंगे। देखो, इसीलिए बाबा, श्रवण के बाद जितना आप मनन करोगे ना, आपके मन की विचारधारा ऐसी सुंदर बन जाएगी कि आप अपने ही विचारों के कारण दुख में फंसोगे नहीं। उसको कहते हैं मनन। तो पहले श्रवण किया, श्रवण में एक एक सिद्धांत को सुना, सुनने के बाद एक एक सिद्धांत पर विचार किया, और ऐसा विचार करते करते आपकी जो विचारधारा इस समय बहिर्मुखी है, वही विचारधारा जब अंतर्मुखी हो जाती है तो समझ लेना राधा रानी आपके जीवन में आ गई है। धारा बहिर्मुखी होती है, राधा अंतर्मुखी होती है, और ये बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। इसीलिए पहली महत्व की बात, जिसने शास्त्रों का श्रवण किया है उसके बाद मनन किया है। अब देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार के शास्त्रों के मनन चिंतन में लगा है, उसको दुनियादारी कैसे परेशान करेगी? उसकी परेशानी यही होगी। एक बच्चे की परेशानी बताता हूं। बोले स्वामी जी, मुझे बहुत दुख हो रहा। किसको लेकर के? भगवान को लेकर के। हमने कहा, भगवान को लेकर सभी दुखी है, तुम अकेले नहीं हो। बोले नहीं, मेरा दुख ऐसा है कि आपने बताया भगवान हरेक के हृदय में होते हैं और हम अपने दुख के कारण कितने परेशान हैं, और बिचारे भगवान हरेक के हृदय में है तो कितने दुखी होंगे, उसकी परेशानी देखो। तो श्रवण के बाद मनन किया, और जब हमारा चिंतन इस प्रकार से तत्व के ही दृष्टि से चलता रहता है, तब हमने निधिध्यासन को प्राप्त किया है। अब ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति का मन पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना इसमें एक तानता से लगा रहता है, वो आदमी कभी किसी के पास जाकर के ये पूछता नहीं, यार कहीं नौकरी है क्या? बड़ी तंगी चल रही है, पता नहीं क्या करे, आजकल बड़ा कठिन चल रहा है, आजकल तो मैंने पहले के जो बॉन्ड रखे थे वो निकाल दिए, वो बेच दिए है, अब सोच रहे हैं कि वहाँ का एक जो फ्लैट है उसको बेच दूं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कर लूं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम पैसा कैसा कमाना चाहिए ये सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि उसके प्रति एकतानता निधिध्यासन नहीं है। ध्यान से सुनना, जो तत्व में निधिध्यासन को प्राप्त हो चुका है उसको साधना कैसी करनी चाहिए, ये प्रश्न मन में नहीं आता। देखो, जिसको पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये एक तानता जब मन में आ गई, वो किसी को जाकर के पूछता नहीं कि बताओ भाई पैसा कैसा कमाया जाए। जिसको पैसा कमाना है, सबका सपना सब अपना, बिल्कुल सिंपल, कोई कठिन नहीं है। लेकिन जब तक एक तानता ना हो तब तक ये नहीं आएगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक साधना को लेकर के प्रश्न पूछते हैं, इसका एकमात्र कारण है अभी मन में एकतानता नहीं आई। देखो, इसको समझने के लिए आप लोगों ने घर में देखा होगा, बच्चों को हम
सुबह से खुला छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, तो ऑल जंक फूड्स दे आर ईटिंग कंटिन्यूअसली, ये खा लिया वो खा लिया ऐसा खा लिया, और जब खाने का समय आया तब कहेंगे चलो बेटा खाना खाओ, अभी नहीं खाएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नियम से खाना खा जाइए, आके बैठेगा और फिर नखरे शुरू हो गए, जो नहीं है वही वो मांगेगा क्योंकि भूख नहीं है, और यदि भूख लग जाए तो सामने जो है फटाफट खाने लग जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा के प्राप्ति की जब भूख लग जाती है तो साधना क्या करनी है किसी को पूछना नहीं पड़ता। देखो महाराज, हमारा खा खा करके इंडाइजेशन हो गया है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आजकल पता नहीं भूख लगती ही नहीं, कुछ खा ही नहीं सकता। तो डॉक्टर कहते कोई बात नहीं, एक महीने तक मत खाओ। एक महीने तक मत खाओ क्यों? अब तुमने इतना इकट्ठा कर लिया है, तुम्हारी राउंड फिगर हो गई है, तुम एक महीने तक नहीं खाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अच्छा है नहीं खा रहे। नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, रात को खाते है। देखो महाराज, इसीलिए निधिध्यासन जिसके हृदय में जागृत हो गया है उसको साधना क्या करे ये प्रश्न मन में नहीं आएगा। तो यहां विद्या श्रुत संपन्न आत्मवान नानुमानिक, और तीसरी बात, जिसने इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करके सभी जीवन की गुत्थियों को सुलझा लिया है और अपने आप को उस तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लिया है, अब किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देखो ये जो अपना गीता प्रेस का भागवत का संस्कृत से हिंदी में जो भाषांतरण है ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने किया था जब उन्होंने सन्यास नहीं लिया था तब की बात है। तो शांतनु प्रसाद द्विवेदी उनका नाम था, शांतनु विहारी द्विवेदी प्रसाद, तो उन्होंने उन दिनों में ये भागवत किसी बड़े अवधूत को सिखाया था माने प्रवचन दिया था, क्योंकि वो एकदम मर्मज्ञ थे भागवत के, वेदांत के बड़े प्रकांड निष्ठावान पुरुष, भागवत के भी बड़े पक्के थे। तो हरिद्वार की बात है, वहां उन दिनों में एक कोई शंकर भिक्षु नाम के भिक्षु थे, भिक्षु वृत्ति से रहते थे, एकदम भूत बंगला था वहां रहते थे, कोई नहीं वहां रहता था, और इन्होंने जाकर उनको सुनाया। सुनाने के बाद कहते देखो यह आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा फ्री में नहीं लेना चाहिए, तो मुझे तुमको कुछ देना है, लेकिन सवाल यह है कि मैं तुमको क्या दे सकता हूं, क्योंकि मैं तो अवधूत हूं, तो मैं तुमको दक्षिणा देता हूं ले लो। और बताया आज के बाद कभी ये स्वीकार मत करना कि तुम जीव हो। और स्वामी जी कहते उसी क्षण से मेरे अंतकरण में एक बार भी ये भाव जागृत नहीं हुआ कि मैं परब्रह्म परमात्मा छोड़ करके कुछ और हूं। देखो महाराज, तो उनकी साधना और उस सत्पुरुष का आशीर्वाद, इन दोनों को लेकर के जो आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाती है उसी को कहते हैं हमने ज्ञानमय जीवन जिया है। इसीलिए भैया एक बात ध्यान में रखो, इस जगत को लेकर के अपने मन को विक्षेपित ना करें। जगत को लेकर के मन को विक्षेपित करना माने अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी होती है। हमको याद है एक बार हम वाशिंगटन गए थे और किसी के यहाँ गए, वहाँ बैठने के बाद सभी वहाँ के दिग्गज इकट्ठे हो गए और डिस्कशन शुरू हो गया किस चीज का। अपने हिंदुस्तान में मंदिर साफ नहीं होते, हमारे यहाँ के टॉयलेट भी साफ होते हैं, वहां मंदिर भी साफ नहीं, ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी आप कुछ करो। तो मैंने खाना उनका ही खाना था,
तो चुप बैठना पड़ा, ठीक है मैं जाकर के झाड़ू लेकर के सब मंदिरों में घूमूंगा, ठीक है आपको रिपोर्ट भेजूंगा ईमेल से। जब ऐसी बातें होने लग गई तो मैंने ठीक है ऐसे ऐसे हमारे लेक्चर से आपकी इच्छा हो तो वहां आ जाना। हाँ हाँ जरूर आएंगे, वी आर फॉर हिंदुइज्म। बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात है। और जहां हमारा लेक्चर था वो आए नहीं, और जब उनका फोन आया तो कारण क्या बताया मालूम है नहीं आने का। स्वामी जी हम लोगों की एक पार्टी थी, और मालूम है किस चीज की पार्टी, हमने अमेरिकन सिटीजनशिप ली उसके 25 साल पूरे हो गए, तो उस 25 साल गिना की पार्टी थी। हिंदू धर्म की जय हो। देखो माने वो अमेरिका में रह करके हमने क्या करना है, वहां से चाबी भरेंगे। देखो ये धर्म नहीं है, ये धर्म का कार्टून होता है। इसीलिए भैया इन सब चीजों से हटा करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है, और यही अपने जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। आज तक कितने राजे आ गए, कितने अच्छी बुरी बातें आके चली गई, उसमें हम भी मिट जाएंगे, लेकिन ये जो मौका हमको प्रभु ने दिया है ये कभी नहीं मिलेगा। फिर अपने आप को इसमें लगा दो, आप आखिरी जिहाद बोल दो, तब जा करके प्रभु की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। और आगे कहते हैं न अनुमान कहा, केवल अनुमान करना और वाद विवाद करना और दूसरों के शब्दों पर विश्वास करना ये परोक्ष ज्ञान है, उसे कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, एक बार हमारे साथ एक कन्या थी, हम कहीं जा रहे थे और वो थोड़ी लंगड़ रही थी, तो हमने कहा क्यों लंगड़ी क्या हो गया, बोले कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हमने कहा तुम क्यों छुपाने का प्रयत्न कर रही हो, लंगड़ तो रही हो, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है लंगड़ा मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो हमने निकाल तुम्हारे सैंडल मुझे दिखाओ क्या है, और नीचे से इतना बड़ा कॉर्न हुआ था। हमने कहा तुमने इसको छिपा करके क्या पाया, देखो आर यू ओब्लाइजिंग मी दैट यू नो आई एम नॉट हर्ट। इसी प्रकार से हम जो साधु संतों के पास जाते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आर वी ओब्लाइजिंग देम, नहीं नहीं महाराज आप कहते हैं ना हम ब्रह्म है, मान लिया आप परेशान मत हो, हम ब्रह्म है मान लिया, किसी पर उपकार मत करना, ये शास्त्रों के सिद्धांत अपनी अनुभूति में उतरने हैं। तब जाकर के हमने श्रवण मनन निधि ध्यासन किया है, अन्यथा बकवास है सब कुछ। तो ऐसा जो परोक्ष ज्ञानी है यह अध्ययन करते करते ये भी समझे कि ये जितने हमने अभी तक विचार किए हैं ये केवल विचार के क्षेत्र में है। तो पहले विचार कैसे थे, जगत को सत्य लेकर के, अब विचार कैसे है, जगत को मिथ्या लेकर के, अब इसके आगे जाना है। इस चीज को भगवान रामकृष्ण परमहंस बड़ी सिंपल बात से बताते हैं, यदि किसी के पैर में कांटा चला जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए हम दूसरा कांटा लेते हैं, तो पहले कांटे को निकालने के बाद ऐसा थोड़ी कहता है बेचारा कांटा थैंक यू वेरी मच, अगले बार फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर पैर में ठोक के रख दिया, नहीं उसको भी फेंक देते हैं। इसी प्रकार से जगत को सत्य मान करके जो चल रहे थे उस विचार को हमने जगत को मिथ्या है करके निकाल दिया, और फिर विचारों के परे चले गए और अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लिए। इसलिए माया मात्र मिदम ज्ञात्वा ज्ञानम च मई सन्यसेत, फिर यह जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान की वृत्ति है वह भी परमात्मा में लीन हो गई। इस प्रकार से ज्ञानिना त्वहम एव इष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गैश्च अपवर्गश्च नान्योर्थो मद्रुते प्रियः। तो जो ज्ञानी है उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो केवल परमात्मा। अब देखो ज्ञानी की यहां परिभाषा हो गई, जिसके जीवन में परमात्मा ही श्रेष्ठ वस्तु है वह ज्ञानी है,
बाकी के सब अज्ञानी है। तो बाकी के कौन कौन आए? समाज सेवक, संसारी, उसके बाद अनेक प्रकार की उपासना करके अपने अपने देवों के मकानों में जाने वाले, अनेक प्रकार के कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। माने जिसमें द्वैत को हम सत्य प्रतिपादित करते हैं वह अज्ञान का क्षेत्र है, और यहां जो अद्वैतानुभूति है वही ज्ञान का लक्षण है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूं, और मेरे अतिरिक्त और किसी भी से पदार्थ से उसका प्रेम नहीं है। अब ध्यान से सुनना जरा, जहां हमने अपने आप को इस उपाधि से अलग करके स्वीकार कर लिया है, अनुभूत किया है, यह योग मार्ग की प्रथम उपलब्धि होती है, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो हमने आत्मा को पहचान लिया, इसको कहते हैं आत्मख्याति, योग के शब्द है। तो जिस आत्मा को हमने अपने उपाधियों से अलग करके पहचान लिया है, अब अगली बात यह है कि उस आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसा है क्या मैं तो आत्मा हूं और बाकी की सीएच आत्मा है? तो ये आत्मा आत्मा है क्या? और फिर जब उस आत्मा का अनुसंधान हो जाता है तब पता चलता है कि यह जो आत्म तत्व है यही ब्रह्म स्वरूप है। माने आत्मा एक ही है, पर हेड वन आत्मा नहीं है। योग मार्ग में और वेदांत में मूलभूत यही फर्क है। देखो, इसीलिए जिन्होंने अष्टावक्र गीता का अमृत पान किया है उसको जगत की कोई चीज नहीं हिला सकती, नहीं तो इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। पाप हो गया, पुण्य हो गया, मंदिर में जाना था नहीं गया, एकादशी थी और मैंने बिस्किट खा लिया, अब क्या हो गया, क्या होगा? कुछ बात नहीं, मरने के बाद ऊपर जाओगे तो बिस्किट ही मिलेगा, फिर ठीक है। देखो महाराज, इन सब चीजों से निकल करके अपने स्वरूप में पिटोना है। इसीलिए परमात्मा ही सब कुछ है का तात्पर्य, उसमें जितनी द्वैत की प्रतीति है उसको हमने तिरस्कृत किया है। द्वैत की प्रतीति का तात्पर्य है, जैसे हमको सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, इन दो प्रतीतियों का अनुभव होता है, लेकिन हम सबको मालूम है कि सूर्य उगता डूबता नहीं है। यह तो पृथ्वी की जो गति है सूर्य पर अध्यारोपित होती है। ये एक बार समझ में आ गया तो समझ में आने के बाद भी सूर्य का उगना और डूबना जारी रहेगा, लेकिन हमारा ज्ञान भिन्न होगा। इसी प्रकार से जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, स्वरूप को पहचानने के बाद यह द्वैत की प्रतीति ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन द्वैत के कारण हम कलुषित नहीं होंगे, और इसी को कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा, और इसी ज्ञान की पराकाष्ठा को कहते हैं प्रेम या भक्ति। आगे कहते हैं ज्ञान विज्ञान संसिद्धाः पदम श्रेष्ठम विदुर मम ज्ञानी प्रियतमो अतहामे ज्ञाने नासो विभर्तिमान। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान से सिद्ध हो चुका है, देखो सिद्धियां किसको कहते हैं, ये सिद्धि है। पहले अपने स्वरूप का ज्ञान होना और दूसरी बात अपने स्वरूप का अनुभव होना, ये दो चीजें जिसके जीवन में उपलब्ध हो गई है वही सिद्ध पुरुष है। और ऐसा जो सिद्ध पुरुष है वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, ज्ञानिनः अत्यंत प्रियः। भगवान कहते हैं यह जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसलिए कि यह ज्ञानी पुरुष मुझे अपने अंतःकरण में धारण कर रहा है। ध्यान से सुनना, परमात्मा को अभिव्यक्त होने के लिए नाम रूप का आधार लेना पड़ता है। कारण ये कि परमात्मा को उपलब्धि करने वाले नाम रूप में फंसे हुए हैं।
तो यदि परमात्मा को प्राप्त करवाने वाले स्वयं नाम रूप में फंसे हैं, तो उस परमात्मा को नाम रूप का आधार लेना पड़ता है। अच्छा, भगवान कौन से नाम रूप का आधार लेगा? जहां नाम रूप हो लेकिन कोई नामी या रूपी नहीं हो। देखो, तो जिसको अपने नाम रूप का अभिमान नहीं है, ऐसे अभिमान रहित अभिव्यक्ति को परमात्मा अपना मकान बना लेता है, और फिर उस संत महात्मा के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति होती है। देखो महाराज, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, तस्मिन तज्जने भेदाभावात, तस्मिन परमात्मा, तज्जन भगवान के भक्त, भेद अभावात, भगवान और उनके भक्त में भेद इसीलिए नहीं होता कि भक्त के माध्यम से जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वह तो भगवान ही है। देखो महाराज, इसीलिए जिसने उस परमात्मा को आत्मरूप से पहचान लिया है वही मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है, और बाकी घंटी बजाने वाले ठीक है, टाइम पास हो रहा है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतकरण में धारण करता है। और आगे बताते हैं, तप तीर्थम जपो दानम पवित्राणि तराणि च नालम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता। सिद्धियां अनेक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। कौन से प्रकार है? तपस्या करने से, तीर्थ क्षेत्र में वास करने से, जप करने से, दान करने से, अंतकरण शुद्ध हो गया तो सिद्धियां जागृत हो जाती है। लेकिन ये सभी की सभी जो सिद्धियां है ये हमेशा टिकती नहीं। कारण क्या है कि ये सिद्धियां किसी कर्म उपासना के द्वारा निर्मित है, जो निर्मित है वो नष्ट होता है। देखो, केवल वही एक तत्व जो नित्य उपलब्ध है उसको जब हम अपने स्वरूप में पहचानते हैं तो वह ज्ञान कभी खोटा नहीं होता। इसीलिए बाकी की जितनी भी साधना करें बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए कर्म की सिद्धि के द्वारा आप कर्म करने कुशल हो जाओ तो कर्म में फंस जाओगे। यदि वाणी के उपयोग करते करते लेक्चर देने में यदि आप कुशल हो जाओ तो लेक्चरबाजी में फंस जाओगे। यदि गला फाड़ फाड़ करके गाने में अपने आप को कुशल कर लिया और बड़े सुंदर आप गा रहे हो तो हमेशा भगवान की नहीं याद आ रही, मेरा गाना कैसा हुआ, किसका गाना हुआ ये महत्व की बात नहीं है, मेरा गाना कैसा हुआ। देखो, ये सब फंसने की बातें हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ये तप तीर्थ जप दान ये सभी के ठीक है, अंतकरण को पवित्र इत्यादि करते हैं, अलम न कुर्वन्ती ताम, लेकिन वो अंतिम गति नहीं है। जिस प्रकार से ज्ञान कलया कृता, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है यही अंतिम और पक्की सिद्धि है। इसीलिए तस्मा ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मानम उद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भाविता। इसलिए हे उद्धव जी, ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान ले, और फिर विज्ञान के द्वारा जब परिपक्व हो जाएंगे उसके बाद जो हृदय में भक्ति का निर्माण होगा वह भक्ति कभी टूटेगी नहीं। देखो, और वो भक्ति कौन सी है? वो भक्ति है यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते। उपनिषद कहती है जिस क्षण ये अनुभूति आ जाती है कि यह संपूर्ण विश्व मुझ में है और मैं सब में हूं, उसके बाद अपने हृदय से घृणा द्वेष ईर्षा मोह दुख सब कुछ समाप्त हो जाता है, और उसी को कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। आप देखेंगे
ऐसे जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य ले लीजिए या संत ज्ञानेश्वर ले लीजिए, जिन्होंने परमात्मा को ठीक प्रकार से प्राप्त किया है, उनके मन में किसी के भी प्रति द्वेष घृणा हो ही नहीं सकती। अब जैसे दो उदाहरण दिए, जो हमने भगवान शंकराचार्य को सभी लोगों ने बहिष्कृत कर दिया था, कारण क्या कि वो अपने मां के चिता को अग्नि देने के लिए केरला पहुंच गए थे, सन्यासी को वो अलाउड नहीं है, लेकिन उन्होंने सब कोई बात करना है करना है, तो उन पर इतना सब कुछ हुआ, फिर भी उनके लेखनी से एक भी बुरा शब्द किसी के प्रति नहीं निकला। देखो उसी प्रकार से संत ज्ञानेश्वर, उनके मां बाप को वहां के धर्म धुरंधरों ने मृत्यु दंड दिया था, इसके बावजूद भी भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के कहीं भी शब्दों में कड़वाहट नहीं है। ये तब होता है कि जब सबके प्रति वैसा शुद्ध प्रेम हो जैसा अपने अपने प्रति होता है। तो यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, यह जो ज्ञान की बात है इसी को भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। इसीलिए ज्ञान भक्ति को लेकर के झगड़ा मत करना, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वही भक्ति है, और जो भक्ति की नींव है वही ज्ञान है। तो इसीलिए उद्धव महाराज अपने आत्म स्वरूप को ज्ञान से ठीक से जान ले, फिर विज्ञान से संपन्न होकर के भक्ति भाव से मेरा भजन करे। और अगली बात समझो, आपको अब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब क्या करोगे? टाइम पास, देखो और कुछ नहीं लाइफ में। टाइम पास यदि भगवान के साथ करोगे तो दुनिया को सुखी रखोगे और टाइम पास यदि दुनिया के साथ करोगे तो दुनिया में फंस जाओगे। देखो एक बार किसी ने चैतन्य महाप्रभु को यह प्रश्न पूछा था कि महाराज ये बताइए, आप ये हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो अखंड कीर्तन करते रहते हो, इससे आपको क्या मिलता है? तो एकदम रुक गए, बोले अरे यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, मुझे तो ये प्रश्न आज तक नहीं आया। देखो कितना फर्क है, भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? बनिया। और भगवान का नाम ही लेना है, वो बन गया भगवान का भगत। देखो अब ये डिसाइड करें कि हम बनिया रहना चाहते हैं कि अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। देखो महाराज, यही जीवन की परिपूर्णता है। इसीलिए जो हमारे साधु संत कहते हैं ना सहज भाव में, बेटा दुखी मत हो, भगवान का नाम लो, और हमको लगता है बाबा जी को कुछ आता नहीं ना, इसीलिए बताते भगवान का नाम लो, हाथ में माला पकड़वा दी, छुट्टी, डंडट खत्म। इसके पीछे इतनी सारी बातें हैं। इसीलिए भैया अपने जीवन का अब जो समय बचा है वो इस तैयारी में लग जाओ। ये जो साइंटिफिक माइंड वाले लोग होते हैं ना, हमको हमेशा याद आता है वो जो बुढ़ाओं का डिपार्टमेंट उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाया था, बुढ़ाऊ अनुसंधान विज्ञान। और वही आप बुढ़ापे में कैसे स्वास्थ्य युक्त रह सकते हो, और हमने सब कुछ बता दिया, और हमने कहा भाई देखो ठीक है आपको जो करना है करो, लेकिन हम आपको सच्ची बात बताते हैं, अपने आप को इस दुनिया से जाने के लिए तैयार करो, ये महत्व की बात है। बिफोर द वर्ल्ड टेल्स यू विल यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, उसके पहले तैयार हो जाओ। इसीलिए बुढ़ापे में आने के बाद जो बताते हैं भगवान का नाम स्मरण चिंतन करो, तो अपने मन को डिफरेंट ओरिएंटेशन करना है।
ऐसे नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे बीबी का क्या होगा? क्या होगा, शादी कर लेगी, शी इज वेटिंग फॉर यू टू गो. वेरी क्या, उसको तो पूछो किसकी है, अपने को ही लगता है जगत में कोई किसी का नहीं महाराज. इसीलिए तैयार हो जाओ. और यही बात बहुत सुंदर बताई है भागवत महापुराण में, जो हमारे परीक्षित जी महाराज सुन रहे थे उनको यही बताया सुखदेव जी ने. सुखदेव जी महाराज अब थोड़ा टाइम बचा है, रेडी वन टू गो. हमको रेडी रेडी टाइम मारा. रो मत, सेलिब्रेट योर डेथ, देन देयर इज मीनिंग इन लिविंग. इसीलिए जिसने इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन किया, समझ लिया, अपने को पहचान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, उस व्यक्ति को जगत में अब कुछ बाकी नहीं है. तो क्या करना है, जब तक के ये देह रूपी तीर प्रारब्ध रूपी बाण से निकल गया है, जब तक जाएगा तब तक चलने दो, चलने दो, चलने दो. जैसे उसकी गति खत्म हो जाएगी अपने आप गिरेगा, उसको गिरवाने की कोई जरूरत नहीं. देखो कितनी सहजता से उन्होंने बात बताई. इसीलिए आगे बताते हैं कैसा विचार करें. ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामिष्ट्वात्मानमात्मने सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयो गमन. हे उद्धव, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके आत्मसिद्धि परम सिद्धि प्राप्त की थी. देखो दो तीन प्रकार का यज्ञ होता है, दो तीन क्यों, 12 प्रकार के यज्ञ बताए भगवद गीता में. और उन यज्ञों में भगवान आखिरी में जाकर के बताते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप. हे अर्जुन, जितने भी यज्ञ है जिसमें द्रव्य की आहुति पड़ती है, घी डाल दिया, चावल डाल दिया, लड्डू डाल दिया, और साउथ इंडियन यज्ञ हो तो उसमें वो कॉम्प्रेस राइस, पोहा, उसके बाद ये गुड़, उसके बाद बनाना, वो गीला गीला उसमें डालते हैं, उसका धुआं निकलता है, और जब वो खूब परेशान हो जाते हैं तब उनको पता चलता है शादी के बाद ऐसा ही होना है. तो वहां से प्रैक्टिस शुरू हो गई. ये सब द्रव्य यज्ञ है. भगवान कहते हैं इन सभी द्रव्य यज्ञों की कंपैरिजन में ज्ञान यज्ञ जो है, ज्ञान यज्ञ क्या है, जहां ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई है वहां मैं परिच्छिन्न हूं, जगत प्रत्यक्ष है, परमात्मा परोक्ष है. ये तीन प्रकार की अज्ञान की आहुति जिस ज्ञान यज्ञ में चढ़ चुकी है वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, और उसी में हमको स्थित होना है. तो ऐसे जो ऋषि मुनि है उन्होंने ऐसा यज्ञ करके ये समझ लिया है अपने आत्मा का ही यजन किया है, उसी को प्रसन्न किया है. और आगे बताते हैं कि हमारी जो यत्वई उद्धव आश्रयति स्त्रै विधो विकारो मायांतरा पतति नाद्य पवर्गयोर यता जन्मादयो यस्य यदमि तव तस्य किं स्युहु आद्यन्तयोर असतः अस्ति तदेव मध्ये. ये विचार की प्रक्रिया है. कहते हैं कि देखो उद्धव, हमारे जीवन में जो तीन बातें सबके जीवन में है, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीन चीजों से जगत बना है. आध्यात्मिक माने दैवी शक्तियां, आधि भौतिक माने स्थूल जगत, आध्यात्मिक माने वैयक्तिक अनुभूति के क्षेत्र. इन तीनों को लेकर के पूरा जगत बना हुआ है, और इस सभी का सभी केवल इस आत्म तत्व पर आधारित है. यदि मैं नहीं हूं तो मेरी पत्नी नहीं, यदि मैं नहीं हूं तो मेरा देश नहीं, यदि मैं नहीं हूं तो मेरा धर्म नहीं, यदि मैं नहीं हूं तो मेरा इष्ट देवता नहीं, यदि मैं नहीं हूं तो मेरी साधना नहीं है, यदि मैं नहीं है तो मेरा जप नहीं है. तो संपूर्ण जो विश्व है ये इस मैं पर आधारित है. इस मैं को पहचानो. देखो
इसीलिए ये अर्जुन ये सबका उद्धव ये सबका सब तुम पर ही आश्रित है। और आगे बताते जो पहले नहीं था और जो अंत में नहीं रहेगा वो बीच में ही केवल माया के खेल के समान दिखता है। अब देखो हमारा देह पहले नहीं था और उसका जो बचपना था सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा वो अब नहीं रहा, लेकिन हम खूसट जौ के त्यों। अब कितना स्पष्ट अनुभव ये है, तो क्या हम ये कहेंगे कि हम नहीं है? बदला कौन? ये देह और उसकी भिन्न अवस्थाएं वो बदल रही है, लेकिन हमारा ध्यान उस आत्म तत्व की तरफ नहीं जाता है जो अखंड जौ का त्यों है, जाता है इसी देह और देह का जो प्रपंच है इसी में फंसा हुआ है। इसीलिए ये जो जन्मना मरना ये जितने छह विकार है जायते अस्ति वर्धते और विपरिणमते विनश्यति इति षड विकारवत एतस्थूलम शरीरम, ये जो छह विकार वाला देह है ये सभी के सभी, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से ये समझ लेना कि जो हमेशा नहीं रहता वो असत है, और जो असत है उसका ना तो पहले होता है ना तो बाद में होता है, जो पहले भी नहीं जो बाद में भी नहीं वो बीच में भी नहीं होता। जैसे अपनी भगवान के बारे में समझ सत्संग के पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, बीच में है ये केवल कल्पना मात्र है। इसीलिए स्वामी जी जब प्रवचन चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, घर के लोग हमेशा कहते हैं कि मम्मी तुम प्रवचन को जाया करो, स्वामी जी को कहो यहीं रहो तुम। कारण क्या? घर में शांति रहती है, तुमको शांति मिले ना मिले। इस प्रकार से विचार करते रहे, और ये विचार जितना परिपक्व होगा इस पूरे विचार का यदि आपको सारांश समझना है तो दो बातें हैं, अनात्म भाव के प्रति उदासीनता और आत्मभाव के प्रति निष्ठा, इन दो चीजों को लेकर के यदि हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो उसमें कर्म भक्ति योग और ज्ञान चारों बातें आ गई। इसमें अनात्म भाव के प्रति उदासीनता को जागृत करने के लिए कर्म भक्ति और योग का प्रतिपादन है, और आत्मभाव के प्रति निष्ठा प्राप्त करने के लिए ज्ञान का प्रतिपादन है। इसीलिए हमारे जीवन में इन दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि कर्म करे तो कर्म ही करते रहे, ऐसे नहीं कि ज्ञान तो केवल लेक्चर ही झाड़ते रहे, नहीं, अपने जीवन में चारों तरफ से जब ठीक से संतुलन रहेगा, इस संतुलन को ही कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, और यही हमको पूरे जीवन में चलाना है। इसकी अगली बात हमारे उद्धव जी महाराज कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु नमः। हरि ओम।